أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهاده ما شهد بها صاحبها قبل ان يسالها رواه الامام الطبراني وفي روايه خير الشهود ما شهد به خير الشهود ما شهد بها صاحبها قبل ان يسالها محترم حضرات أرخواتين اسلام उन्नास के सिलसिले की एक और कड़ी लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ आज उन खुशनसीब लोगों में से जिनके बारे में नबी अलैहि सलात वाम ने गवाही दी कि ये समाज के सबसे बेहतर लोग हैं मुसलमानों में से सबसे अच्छे मुसलमान हैं मोमिनों में सबसे अच्छे ईमान वाले हैं जिनके हक़ में नबी आ सलात वाम ने इतनी अजीम गवाही दी है उस फहरस्त और उस सिलसिले के एक और तबके का एक और किस्म के लोगों का तस्करा आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ तस्करा करने जा रहा हूँ हजरत जैद इबन खालिद जहनी रज़ी अल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि नबी आ सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन गवाही उस आदमी की गवाही है जो आदमी गवाही तलब किए जाने से पहले ख़ुद आगे बढ़कर अपनी गवाही पेश करे इमाम तबरानी ने इस हदीस को रिवायत किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस दीगर कुतुब अहादीस में अल्फाज के फ़र्क़ के साथ भी आई है जिनमें से बाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में सबसे बेहतर वो है जो अपनी गवाही मुतालबे से पहले लोगों के हक़ में पेश कर दिया करे आज हम बात कर रहे हैं किसी के हक में गवाही देने के बारे में इस सिलसिले में सबसे पहले ये बुनियादी मसला हम और अब जान लें कि मामलत की दुनिया में बसा गलत फ़हमी की वजह से और अक्सर बेशतर बदनीयती की वजह से लोग एक आदमी के हक पर दूसरा आदमी दावेदार बनकर बैठ जाता है होती किसी और की चीज़ है लेकिन कोई और आदमी मुतादावा कर बैठता है कि ये चीज़ मेरी है कभी गलत फहमी होती है और कभी किसी और की गलती की वजह से दो लोगों के दरमियान गलत फहमी पैदा हो जाती है और कभी कभार कुछ लोग बदनीयत होते हैं बुरे लोग होते हैं उनकी नज़र लोगों के माल पर और हक पर होती है ऐसा कोई तनाज़ जब खड़ा हो जाए ऐसा कोई मसला जब पैदा हो जाए कि कोई आदमी किसी चीज़ पर अपना दावा करे इस्लामी शरीयत ने एक जाबा दिया और वहता यह है कि अलबीना तो प्यार नबी अलैहि वसल्लम ने यह जाबा दिया है कि जो आदमी दावा करता है कि फला चीज़ मेरी है तो उस आदमी को चाहिए कि वो आदमी अपनी तइद में दलील पेश करे भाई तुम दावा करते हो कि ये चीज़ तुम्हारी है क्या सबूत है तुम्हारे पास सबूत कागजात की शक्ल में हो सकता है दस्तावेज की शक्ल में हो सकता है और अगर कोई मामला ऐसा है जिसका सबूत कागजात नहीं लोग गवाह बन सकते हैं तो नबी सला ने यह बात कही है कि ऐसे मामलात में एक आदमी अपने साथ दो गवाह लेकर आए दो गवाह लेकर आए जो इस बात की गवाही दें कि ये मामला ये जैसे दावा कर रहा है दर हकीकत ये चीज उसी आदमी की है और अगर ये गवाह न पेश कर सके नबी अल्लात ने फरमाया मुद्दा आलई कि जिस आदमी पर दावा किया गया है जिस आदमी के बारे में दावा किया गया कि इसने मेरी चीज़ हड़प ली है वह आदमी इनकार करे और कसम खाए कि अल्लाह की कसम ये आदमी गलत कह रहा है ये चीज़ मेरी है ये इस्लामी शरीय का तय करदा जाबता है मामलात में जब इख्तलाफ हो जाए यह एक बात हम और आपको याद रखनी चाहिए कि इस्लामी शरीयत ने एक जाबा हम और आपको यह दिया है कि अगर कोई आदमी हाकिम के सामने ऐसे कुछ गवाह लेकर आके पेश कर देता है जिसकी वजह से मामला उसके हक में चला भी जाए तो याद रखना चाहिए कि हाकिम के फैसले के बावजूद वो चीज़ उसके लिए हलाल नहीं होती अगर हकीकत में उसकी नहीं मिसाल के तौर पर एक आदमी ने दूसरे पे दावा किया एक आदमी ने जाके दूसरे आदमी के पास दावा किया कि ये चीज मेरी है मामला काजी के पास पहुंचा महकमे में पहुंचा और वहां वो आदमी अपने हक में गवाहियां देने दिलाने या फिर अपने दावे को मजबूत करने के लिए दलाल फराहम कर ले गया हालांकि वो चीज उसकी नहीं उसका हक नहीं बनता लेकिन मुकदमा जीत गया तो उसके मुकदमा जीत लेने से वो चीज उसकी नहीं हो जाती ये जुल्म होगा ये नाहक होगा यहां नहीं तो आखिरत में उसे वो वापस लौटाना पड़ेगा इस्लामी शरीयत ने ये बात बयान की है और वहीं इस्लामी शरीयत ने ये भी बात बयान की है कि झूठी गवाही देना इस्लामी शरीयत की नजर में बहुत बड़ा गुना है इस्लामी शरीय की नजर में झूठी गवाही देना बहुत बड़ा गुना है पैर नबी सुखारी की रिवायत जिसमें नबी सर ने बात बयान फरमाई कहा कि सबसे बेहतर सदी सदी, बाद बाद उनके बाद उनके बाद का तस्करा फरमाने के बाद आप सल्ला ने फिर बुराइयों का तस्करा किया अगले जमाने में जो लोग बुरे लोग आएंगे उनका तस्करा किया तो नबी अलैहि सल्ला तो सल्ला मुतादद खराबियां गिनाते गिनाते आपने ये भी बयान फरमाया कि वह शहदुन वला युस्ता शहदुन वह शहदुन वला युशहदुन आगे बढ़कर वो गवाही देंगे हालांकि उनसे गवाही का मुतालबा नहीं किया जाता है इस हदीस से एक बात तो ये समझ में आती है कि गवाही देने का ये जो मामला अल्लाह के नबी ने ज़िक्र किया है ये बुरे जमाने की पहचान अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान फरमाई इस जुमले का मतलब क्या है इमाम बुखारी रहा आलही ने इस हदीस पर जो बाब जो अनवान मुतन किया है वो इस हदीस से मुस्त मसले की वजाहत करता है इमाम बुखारी रमत ला ने यह बात कही बाप बांधा है कि जब आदमी को गवाह बनाया जाए तो आदमी को झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए जब आदमी को गवाह बनाया जाए तो आदमी को झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए यह इमाम बुखारी रहा ने इस हदीस से मसला मुस्मत किया और इसी के मुताबिक इल्म की एक जमात की राय यह है कि गवाही अगर आदमी दे रहा है सच्ची गवाही है तो आदमी को देना चाहिए लेकिन अगर झूठी गवाही है तो आदमी कभी गवाही ना दे झूठी गवाही ना दे जैसे आज हमारे अपने समाज में ये मामला मरूफ है कि कोर्ट कचेरी के पास कुछ लोग रेडीमेड गवाह मिलते हैं बने बनाए गवाह मिलते हैं वकील उनको पट्टी पढ़ा देते हैं कि तुम्हें आकर सिर्फ इतनी बात कहनी है बस और उसके बाद तुमको इतना पैसा हम दे देंगे बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसी ही गवाही पर जीते हैं उनको लगता है कि बसा औकात वो समाज की खिदमत कर रहे हैं याद रखें अगर आदमी सच्चा है तब भी उसके हक हाँ में झूठी गवाही इस्लाम इजाजत नहीं देता आपको गलत आदमी के हक हाँ में झूठी गवाही नहीं सच्चे आदमी के हक हाँ में भी झूठी गवाही आप नहीं दे सकते इस्लामी शरीयत आपको इसकी इजाजत नहीं देती तो झूठी गवाही इस्लामी शरीयत की नजर में बहुत बुरी बात है बहुत गलत बात है लेकिन आज हमने आपके सामने जो हदीस पढ़ी उस हदीस में तो नबीलाम ने यह बात बयान फरमाई के सबसे अच्छे गवाह वो है या लोगों में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो गवाही मुतालबा किए जाने से पहले आगे बढ़कर पेश करते हैं क्या मतलब है अदीस में तो गवाही के सिलसिले में इतनी सख्त वईदे आ रही है या गवाही के सिलसिले में इस कदर एहतियात का रवैया सामने आ रहा है और यह हदीस हमारे सामने ये बताती है मुतालबा करने से पहले आगे बढ़कर गवाही देना ये जो है अच्छे आदमी होने की अलामत है इसका क्या मफहूम है अल-इल्म ने इसका एक खास मफहूम बयान किया अल ने लिखा है कि आपके पास अगर किसी सही आदमी के हक़ में गवाही है आदमी सही है हकदार है और आप उसके सच्चे होने और हकदार होने के गवाह हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी गवाही न देने से उस आदमी का नुकसान हो सकता है सामने वाले का हक मारा जा सकता है ऐसी हालत में आप आगे बढ़कर उसके हक में गवाही देते हैं तो आपका यह गवाही देना यह आपका सबसे अच्छा इंसान होने की अलामत है इसलिए कि आपने हकदार के हक की हिफाजत की एक सच्चे आदमी की सच्चाई में उसका साथ दिया है और ऐसे वक्त पे साथ दिया है कि जहां शायद आप खड़े ना होते आप गवाही ना देते आप जबान ना खोलते तो उस आदमी का हक मारा जाता वो सच्चा आदमी झूठा बन जाता ये सब कुछ मुमकिन था आपने ऐसे मौके पे गवाही दी है इसलिए आप लोगों में सबसे अच्छे और खास तौर पर यह मामला ज्यादा नाजुक उस वक्त बनता है कि जब झगड़ा हो दो तरफ से दो तरफ के लोगों में एक दूसरे की तरफ से खींचा तानी का मामला हो ऐसे हक में ऐसी सूरत में अगर आप किसी एक आदमी के हक में गवाही देते हैं तो दरअसल आप दूसरे आदमी को नाराज करते हैं। दूसरे आदमी को एक तरह से तकलीफ दे देते हैं उसके हिसाब से आपने सच कहा आपने ना हक कुछ नहीं किया लेकिन आपके सच से उसका नुकसान हो रहा है तो वो दूसरा आदमी नाराज हो सकता है लेकिन आपने हक की तायिद में सच की तायिद में अच्छाई की तायिद में आपने क्या किया आपने जमाने की परवाह ना की उस आदमी की नाराजगी की परवाह ना की आपने हक के साथ खड़े होना पसंद किया इस्लामी शरीयत की नजर में यह मिजाज बड़ा पसंदीदा है तो खुलासे के तौर पर सबसे पहले तो यह मसला हम और आपको समझना चाहिए कि मामला में जहां कहीं आपके पास गवाही है आप एहतियात करें कि आप आगे बढ़कर गवाही न दें, आप आप आगे बढ़कर पेश करें दूसरी सूरत यह हो सी है कि आप ये देख रहे हैं कि आपके पास गवाही है लेकिन सामने वाले आदमी का नुकसान हो रहा है अगर आप गवाही नहीं देते उसका हक मारा जा रहा है वो झूठा करार पा रहा है हालांकि वो आदमी सच्चा है उस आदमी का दावा बरहक है तो ऐसी सूरत में आगे बढ़कर आप सच सच्चाई की गवाही दे उस आदमी के सच होने की गवाही दे बरहक होने की गवाही दे ये आपके अच्छा इंसान होने की अलामत है एक तरफ तो इस हदीस से हम और आपको मामलात में अच्छाई में मामलात में किसी आदमी के बरहक होने की गवाही देने की फजीलत मालूम होती है दूसरी तरफ इसी जिमन में यह मसला भी मालूम होता है कि दीन के मामला में भी दीनी मसाइल में भी तोहहीद की बात सुन्नत की बात बिदात की बात शिर के मसाइल या फिर मसाइल जो हम अमल करते हैं आपको पता है कि फला आदमी की बात सच है कोई आलिम है कोई आदमी है जो सच्ची बात बता रहा है यहां आप ये देख रहे हैं कि लोग उस आदमी को नकार रहे हैं झुटला रहे उस आदमी को कंडम करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मौके पर आप आगे बढ़कर उसके साथ खड़े होते हैं और गवाही देते हैं कि यह बरहक है उसका साथ देते हैं यह बहुत बड़ी फजीलत वाली बात यह मामलात का उसूल है लेकिन मामला से आगे बढ़कर दीन के मामले में भी आप गवाह बने पुराने मजीद में अल्लाह तबाह ने इसीलिए अहले इल्म को इल्म वालों को गवाह करार दिया अल्लाह ताला ने फरमाया

इसलिए कि अल्लाह ताला की बात अल्लाह ताला की तरफ से जो आ रही है अगर कुछ लोग उसको झुटला रहे हैं तो उसकी ताईद में खड़े होना गवाही देना यह जो है अहले ये अहले इल्म का काम है और अहले इल्म के नक्शे कदम पर चलने वाले अहले खैर की आलामत है कि वो सच्चाई के गवाह बनकर लोगों के सामने खड़े होते हैं आप हजरात और खुतिन के सामने आज के इस दर्स में मुझे ज्यादा लंबी गुफ्तु नहीं करनी यह बुनियादी होता है वो मजलूम हो रहा है वो गलत करार पा रहा है वो उसका नुकसान हो रहा है ऐसे मौके पर आगे बढ़ के सच्ची बात कहना इस्लामी शरीय की नजर में इस बात की अलामत है कि आप सच सबसे अच्छे इंसान है हाँ हो सकता है वक्ती तौर पर कोई दूसरा आपसे नाराज हो जाए वक्ती तौर पर उसको तकलीफ पहुंच जाए लेकिन आप उस आदमी को बाद में समझा भी सकते हैं कि मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था लेकिन मेरा यह फरीजा बनता है कि मैं अपने सामने एक के ऊपर जुल्म होते देख रहा हूं और मेरी गवाही से वो जुल्म खत्म हो सकता है तो मैं उसका खातिमा करूं हम और आपको इस तालीम को जिंदा करना चाहिए होगा शुरू शुरू में कुछ लोग नाराज हो गए थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन अगर पूरे समाज के लोगों का ये मिजाज बनेगा कि लोग सच की गवाही देने वाले बन जाएंगे तो फिर झूठे दावेदार डरने लगेंगे हक किसी के माल पे दावा रखने वाले या नजर रखने वाले दावेदार बनकर सामने आने वाले लोग पीछे हट जाएंगे इस तालीम को इस अजीम तालीम को इस अहम तालीम को हम और आपको याद रखना चाहिए तो ख़ैर उन्नास के सिलसिले की एक और कड़ी एक और सिलसिले एक और तबका हमने सुना ये वो लोग हैं जो ज़रूरत पर गवाही देते हैं और जब देखते हैं कि हक मारा जा रहा है तो गवाही का मुतालबा होने से पहले ख़ुद आगे बढ़कर हक़ के तइज में गवाही देने वाले बन जाते हैं अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताली मुझक और आप सभी हजरात और ख़ुत को इन खुशकस्मत लोगों में शामिल फरमाए आखिरआलमीन